morning to all the students of 11th commerce. Now we are going to discuss about the commerce. यहाँ पर बेटा आज हम उस टॉपिक जिसका नाम कॉमर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जितने भी 10th क्लास के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये तो पता है कि कॉमर्स होता है, लेकिन कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं ये भी पता है, लेकिन कॉमर्स होती क्या है इसको बहुत डीपली हमें स्टडी करना ज़रूरी है. तो यहाँ पर कॉमर्स को उन एक्टिविटीज़ के अंदर रखा गया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन करते हों गुड्स का. यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको हम कॉमर्स के अंडर द टॉपिक इंक्लूड करते हैं. यहाँ पर बताया गया है कि कॉमर्स रेफर्स टू ऑल दीज एक्टिविटीज, कि कॉमर्स का संबंध उन सभी एक्टिविटीज से है विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो मदद करती हैं, हेल्प करती हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. गुड्स और सर्विसेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहां पर, कस्टमर कंज्यूमर के पास, यानी के मार्केट के अंदर, तो उसे हम कॉमर्स कहते हैं. आर दोज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज कॉमर्स. उसके साथ साथ दूसरा इसके अंदर एक एक्टिविटी ऐड की गई है, देयर विल बी नो यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अंटिल दीज गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर. उन्होंने यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन रखा है कि वो एक्टिविटीज उस प्रोड्यूसिंग गुड्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं की जाएंगी, उस कॉमर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं की जाएंगी, चाहे वो गुड्स जो है जब तक कंज्यूमर के पास ना पहुंच गए हों. यहाँ पर ये बात बड़ी ध्यान करने की है कि उन्होंने कहा है कि दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वॉल्व इन द कॉमर्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट टेक प्लेस टिल और अनटिल द कंज्यूमर तक वो गुड्स जो है एक्टिविटीज के थ्रू पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. अगर नहीं पहुंचा है तो उन गुड्स की उन क्या कहना चाहिए एक्टिविटीज को कॉमर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा. उसके बाद कॉमर्स के अंडर में ही गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूमर आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. उन्होंने कहा है कि इस कॉमर्स के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज की जाती हैं, वो गुड्स प्रोडक्शन का एक सर्टेन प्लेस है, लेकिन जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर तक पहुंचाए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर वो डिफरेंट प्लेसेस पर भी अवेलेबल हो सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि एक गुड एक मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, वही गुड्स दूसरे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वही गुड्स तीसरे मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यानी कि तीन प्लेसेस अलग अलग हो गई. तो जिस कस्टमर को आसानी से जो मार्केट उसकी रीच के अंडर है वो वहां जाकर उस प्रोडक्ट को उस गुड को परचेज करके कंज्यूम कर सकता है. तो बताया गया कि कॉमर्स के अंदर जो प्रोडक्शन का प्लेस है वो तो एक हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर पॉसिबल होगा. उसके साथ साथ गुड्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, गुड्स को जो प्रोड्यूसर है वो कभी भी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करता, वो लार्ज स्केल क्वांटिटी के अंदर उसे प्रोड्यूस करता है. और कब करता है ये क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, व्हेन द डिमांड बाय द कंज्यूमर अराइजेस, जब कंज्यूमर के थ्रू वो डिमांड अराइज होती है. अब आप ये देख सकते हैं कि जो कॉमर्स के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, अपने होलसेलर को प्रोड्यूस कर रहा है, होलसेलर जो है वो रिटेलर को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. और लेकिन कस्टमर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अपने रिटेलर से परचेज करेगा,
सिंगल क्वांटिटी के अंदर, डबल क्वांटिटी के अंदर, ट्रिपल क्वांटिटी के अंदर, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में वो उसे परचेज नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बता दी गई है कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी, कि यहाँ पर गुड्स का प्रोड्यूस करना जो है वो कॉमर्स के अंदर वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन जो कंज्यूमर उसे परचेज करता है वो उसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही परचेज करेगा। प्रोड्यूस प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी का अंदर पॉसिबल है, लेकिन उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट में जो परचेजिंग है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होगी, क्योंकि कस्टमर को जो है वो जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर परचेज करना है उसका अपना बजट है, अपनी एक जरूरत है, एक नीड है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कम्युनिटी को परचेज करता है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं मार्केट की, सिचुएशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने भी डिस्कस करूंगा कि वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, कि जिसका सॉल्यूशन जो है वो अंडर द टॉपिक ऑफ कॉमर्स है। यहाँ कॉमर्स के बारे में मैंने बताया कि वो कॉमर्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो वहां अब हम वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो कॉमर्स के अंदर है। ऑल दीज प्रॉब्लम फेस्ड बाय द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, प्लेस का हिंड्रेंस रुकावट जो है उनकी प्रॉब्लम को दूर करना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि प्लेस दो तरह की है, एक वो प्लेस जहां पर गुड्स प्रोड्यूस होगा और वो प्लेस जहां पर कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए गुड्स का परचेज करना अवेलेबिलिटी है। दूसरा हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो गया, देन नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज की अवेलेबिलिटी के अंदर को जो रुकावट आती है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो जाती है, और वही बताया मैंने आपको कि हर वो इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्शन के थ्रू अपने क्या कहना चाहिए कस्टमर तक पहुंच रही है, वो गुड्स वो एक्टिविटी जो गुड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कस्टमर तक पहुंच रही है वो सब एडवर्टीजमेंट के लिए पॉसिबल है, और उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज होना, उसके प्राइस के बारे में, उसके स्टैंडर्ड के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसके रैपर के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, जितने भी यहाँ पर रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड होना है, वो भी उसका हिंड्रेंस जो है, उसकी जो रुकावट है वो भी कौन दूर करता है, वो भी कॉमर्स दूर करती है। अब नेक्स्ट स्टेप आया स्टोरेज, प्रोड्यूसर क्या करता है आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, व्हेन द रॉ मटेरियल चेंज इनटू द फिनिश्ड गुड्स, आफ्टर द फिनिश्ड गुड्स स्टोर्ड इनटू द वेयर हाउसेस। जब प्रोड्यूसर जो है यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो जब अपने गुड्स को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर देता है, उस फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद उसे वेयर हाउसेस के अंदर रखता है, तो वेयर हाउस के अंदर वो कब तक रखता है, उसे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, और तब तक प्रोवाइड करता है जब तक मार्केट में कस्टमर के थ्रू उसकी डिमांड अराइज नहीं होती है, तब तक वो उसे स्टोरेज रखता है, और स्टोरेज की जो हिंड्रेंस है वो भी कौन दूर करता है, कॉमर्स के अंदर में दूर होती है। एंड ऑल दीज हिंड्रेंसेस और द प्रॉब्लम्स आर सोल्ड बाय द कॉमर्स, ये जितने भी हिंड्रेंसेस हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो सब कॉमर्स के अंदर में ही सोल्व होते हैं। कॉमर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर, उसके बाद प्रोड्यूसिंग गुड्स जो हैं वो आपके अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोवाइड करना, और तीसरा जो है वो गुड्स का प्रोड्यूस जो है वो एक प्लेस से होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स जो है वो डिफरेंट प्लेस पर पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जितने हिंड्रेंसेस हैं वो सब दूर होते हैं और वो कॉमर्स के अंडर में ही दूर होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा कि कॉमर्स किसे कहते हैं, कल हम आप इसको पढ़ के आएंगे, कल हम इसके बारे में जो है फिर डिटेल में क्वेरी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।